आज दोस्तों ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो दूसरा फेज दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, दोबारा से आज से शुरू हुआ है ऑड इवन फेज। मैं इस वक्त आईटीओ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 15 तारीख है, तो कहीं ना कहीं जो है वो ऑड नंबर की गाड़ियाँ आज रोडों पे दिखाई दे रही हैं। इवन नंबर की गाड़ियाँ आज दिल्ली में नहीं चलेंगी। दिल्ली सरकार ने जो है वो एक सर्वे कराया था और उसमें कहीं ना कहीं 80% से ज़्यादा लोगों ने पहली बार जो ऑड इवन फॉर्मूला हुआ था उससे कहीं ना कहीं उसको पसंद किया था, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इसको दोबारा से शुरू किया है। और कहीं ना कहीं अगर नियमों की बात करें तो कहीं ना कहीं मिला जुला थोड़ा सा बदलाव किया गया है। महिलाओं को पहले भी छूट दी गई थी, इस बार भी महिलाओं को छूट दी गई है इसमें। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में होंगे उनको भी छूट इसमें मिलती रहेगी। और जो गाड़ियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सख्ती बरती गई है, पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि जो लोग इस रूल को तोड़ें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। इवन नंबर की गाड़ियां जो हैं वो आज बिल्कुल दिल्ली में नहीं दिखाई देंगी, और अगर कुछ गाड़ियां आती भी हैं तो उनके लिए पुलिसकर्मी हैं और वो कहीं ना कहीं उनका चालान करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो जिस तरीके से पहले 15 दिन चलाया गया था, इस बार भी फेज़ टू जो है ऑड इवन फार्मूला जो है तो वो भी 15 से 30 तारीख के बीच में चलाया गया है और 30 तारीख तक चलाया जाएगा। तो ऑड नंबर की यानी कि आज जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं तारीख जो है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो 15 तारीख जो है तो अगर उसको देखा जाए तो 15, 17, 19, 21, 23 और 27 को अगर देख लिया जाए, 29 को देख लिया जाए तो उस दिन जो 7 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इनकी जो डेट होगी उसी के हिसाब से ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। और अगर थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में बात की जाए, आज जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी छुट्टी है इसलिए भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन कल भी सरकारी छुट्टी है और परसों जो है वो संडे है। तो अगर थोड़ा सा इसकी टेस्ट की बात की जाए, फेज़ टू की परीक्षा की बात की जाए तो ये मानिए कि सोमवार जो है, सोमवार को इसका असली टेस्ट सामने आएगा। कहीं ना कहीं जो जाम है उससे भी निजात आज तो दिख रही है क्योंकि सरकारी छुट्टी है, तो सोमवार को इसका असली टेस्ट सामने आएगा। उस दिन पता चल पाएगा कि फेज़ टू जो है ऑड इवन का वो कितना इस बार सफल रहता है। और दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं ये साफ किया है कि अगर फेज़ टू जो है वो अगर सफल रहता है और दिल्ली की जनता जो है वो अगर इसको कहती है तो इसको अब आगे कहीं ना कहीं परमानेंट करने की भी बात की जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।